आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। इस वक्त लगभग 4:15 का समय हो रहा है, 4:15 बज चुके हैं और अब हम आज के दिन यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, माँ चंडी के दरबार जा रहे हैं। हमारी पूरी चंडी माँ की टीम जो है उनके साथ मिलके अब यहाँ से हम आज की जो है वो शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। आप को पूरा इस बार हम दिखाएंगे कि चंडी माता के दरबार किस तरह से जाया जाता है। जय माता दी। ₹100 वो आए नहीं मतलब तो मैं रियासी में हूँ और ये रियासी का वो ब्रिज है जो सबसे ब्रिज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे खूबसूरती का नज़ारा आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर ये जो चनाब दरिया है इसके नीचे से बहता हुआ, इसको देख के वाकई
में मन जो है वो खुशी से जूम उठता है, क्योंकि इसी चनाब दरिया के जो ऊपर ये पुल बना है तो इसके ऊपर ये जो चनाब बह रहा है यहाँ पर राफ्टिंग की जाती है और इस दरिया उसी चनाब दरिया को इस चनाब रिवर को देखने के लिए लोग आते हैं। और इसी चनाब में भी आज़ादी का महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी भारत के तिरंगे आपको दिखाई देंगे। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँ कि इस नदी की तरफ अगर दिखाएं तो ये चिनाब का, चिनाब की वो नदी है जहाँ पर राफ्टिंग की जाती है। और सामने का दृश्य अगर आप देखें तो यहाँ पर चिनाब नदी के ऊपर डैम भी बनाया गया है।
ना दादा 8 किलोमीटर 7 किलो 8 8 Thank you.
नारियल है नारियल इसका तो हम थोड़ी अपन यूज करेगा ये तो बराबर का घर से हो गया इससे पूछ लो जैसे घर से आता पूछो डॉक्टर को खड़ा नहीं पहना इज्जत मुझे थोड़ी ना सी चप्पल नहीं लेके आए हो चल करूं इस वक्त हम गुलाबगढ़ में खड़े हैं। ये गुलाबगढ़ का वो इलाका है जहाँ से मुचेल माता की यात्रा जो है वो शुरू हो जाती है और इसके बाद यहाँ ये पहला पड़ाव है। इसके बाद यहाँ से यात्री जो है जो यहाँ की लोकल बसेस हैं या छोटी गाड़ियाँ हैं उन पे बैठकर यहाँ से सफ़र करते हैं और उसके बाद जो है यात्री आगे से जब कुंडेल पहुँचते हैं तो वहाँ से पैदल यात्रा यहाँ पर शुरू होती है। ये देखिए यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं, ये मुचेल माता की जो यात्री आए हैं उनकी गाड़ियाँ हैं। इस गाड़ियों में सबसे बड़ी बात आप देखने को मिलेगी यहाँ पर एक चुन्नी लगी हुई है। इस चुन्नी का ये मतलब है कि ये यात्रा पे जो है गाड़ियाँ आई हैं। ये गुलाबगढ़ की अगर ब्यूटी की बात करें तो ये पूरा का पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं ये गुलाबगढ़ है। यहाँ देखिए ये यहाँ पर ज़्यादातर आपको
बुद्धिस्ट लोग जो है वो मिलेंगे यहाँ पर। आप देखिए कि बुद्धिस्ट मंदिर यहाँ पे है जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ ये पहाड़ी का एरिया देखिए, जंगल पूरा है, पूरा का पूरा यहाँ पे जंगल है। और इसी के साथ साथ ये पूरा गुलाबगढ़ एक खूबसूरत इलाका है। जो भी यात्री मचेल यात्रा के लिए आते हैं या जो यात्री यहाँ से मिंदल यात्रा जाते हैं, वो सबसे पहला पड़ाव जो है उनका गुलाबगढ़ होता है। यात्री रात को यहाँ रुकते हैं और उसके बाद यहाँ से आगे का सफ़र जो है दूसरे दिन करते हैं। हमारे साथ आप बने रहिए और इसी यात्रा के जो पड़ाव हैं उनको देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सनी चौधरी के साथ में अमित शर्मा, गुलाब। अंदर में गाड़ी एक तरह ना जा रही है, लेके वहाँ लोग खड़े हैं, गाड़ी नीचे आने नहीं दे रहे, मैं देख लूंगा। बाहर से बड़ी यात्रा आई है। Thank you.
इस वक्त तक हम जो है कुंडेल में पहुंच चुके हैं। ये कुंडेल का वही पुल है जो पानी की चपेट में आने से बह गया था और भारतीय सेना ने इसे बनाया था। मैं आपको दिखाऊं कि ये वह पुल है कुंडेल जिसे कहा गया था। अब हम मचेल माता के दर्शनों के लिए जाते हैं तो यहाँ से पैदल रास्ता शुरू होता है। और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ जब हम गुलाबगढ़ से आते हैं तो हमें कुंडेल तक बाई गाड़ियों से यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ से पैदल यात्रा जो है शुरू होती है और यहाँ से ही अब आगे का पैदल का सफ़र शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि नीचे चनाब है वो नीचे चनाब नदी बह रही है। ये पूरी की पूरी नदी है, पहाड़ियों सुंदर पहाड़ियों का दृश्य है और यहाँ से अब यात्रा जो है वो पैदल जाएगी। और ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये वही कुंडेल का पुल है जो पानी की चपेट में आने से बह गया था और उसे बाद में भारतीय सेना ने बनाया था। इसमें मैं कुंडेल पे हूँ और आप ये दृश्य यहाँ से देख रहे हैं। अब आगे की यात्रा, आगे का पड़ाव यहीं से हम पैदल शुरू करेंगे और आगे की जो भी जैसे भी होगा पूरा का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे।
इस समय मैं उस पुल के बिल्कुल नजदीक खड़ा हूँ। ये कुंडेल का वही पुल है जिसे भारतीय सेना ने कुछ ही दिनों में तैयार किया था। 31 जुलाई 2012 को यात्रियों के लिए इस पुल का उद्घाटन किया गया था। मेरे साथ यहाँ पे श्रीकांत जी हैं जो जर्नलिस्ट हैं और यहीं के रहने वाले हैं, इनसे जानते हैं। श्रीकांत भाई, क्या कहेंगे इस पुल के बारे में? इस पुल के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय सेना ने इस पुल को अंजाम दिया। ऐसे तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और दीगर भी जितना भी डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने बड़ा जोर दिया, लेकिन उन लोगों द्वारा पुल जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा था। तो अंत में भारतीय सेना ने इस पुल को 31 जुलाई 2022 को अंजाम दिया। उसके बाद ये आप खुद देख रहे हो पुल को, पुल बखूबी चल रहा है। श्रीकांत भाई, मैं आपकी काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे देख रहा हूँ, आप सोशल वर्किंग करते हैं, यहाँ की कई ऐसी बातें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, आप उनको पहुँचा रहे हैं। जैसे यहाँ पे लाइट की दिक्कत है, लोगों का रहने का दिक्कत आती है, बड़ी सी समस्याएं हैं जिनको आप सामने लाते हो, क्या आखिर उन वीडियो के मकसद क्या है उसको कहने का? उसको कहने का मकसद यही है कि मैं जो भी देखो, सबसे पहले ये पहाड़ी इलाके हैं, आपको खुद पता है कि इधर के लोग जो है वो काफ़ी बाइकोड हैं, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत बनाना है। तो अगर डिजिटल की बात आई तो ग्राउंड लेवल पे आप खुद चल कर आए मचेल से, ना हमें रोड है, ना हमें लाइट है, और ना ही टावर कहीं बनाए गए हुए। तो मैं चाहता हूँ कि ध्यान दें हमारे माननीय जो भी है जम्मू एंड कश्मीर के, जैसे गवर्नर साहब हैं, उनसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो इन पहाड़ी क्षेत्रों में भी थोड़ा ध्यान दें। बिल्कुल, तो श्रीकांत भाई ने साफ तौर पे कहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान देना चाहिए, और जो उनकी केंद्र में बैठी हुई जो सरकार है वो भी कम से कम मचेल की तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि मचेल में हर साल हजारों नहीं लाखों की संख्या में जो यात्री आ रहे हैं। और हम एक बार फिर भारतीय सेना को सलूट करते हैं जिन्होंने कुछ ही दिनों में इस पुल का निर्माण जो है वो कर दिया, और आज यहाँ पे बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है माँ मचेल के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ मैं अमित शर्मा, कुंडेल गांव।
वहाँ से आगे पाँच किलोमीटर का नहीं है, पाँच या सात का है। अगर सात का तो ये छोटी है, छोटा ये जय माता दी। जय माता दी।
इस वक्त हम माता मचेल की यात्रा पे हैं और बरमोरी के पास हम पहुंचने वाले हैं। लगभग 2 किलोमीटर के बाद हम बरमोरी में पहुंच जाएंगे और उसके बाद 3 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम मचेल दरबार में होंगे, महामाई के दरबार में। मैं आपको बताऊं कि यात्रा करने के दौरान जितनी भी थकान होती है आपको इस जगह पे आके आपकी सारी थकान जो है वो मिट जाती है, क्योंकि इस तरफ अगर देखें तो ये चेनाब नदी है और एक खौफनाक मंजर भी है मगर खूबसूरत भी है। खौफनाक इसलिए क्योंकि अगर आपकी एक भी भूल हुई तो आपका अगर पाँव फिसला तो आप जाके नदी में गिरेंगे और सीधा मौत के मुँह में होंगे। दूसरी तरफ अगर खूबसूरती की बात करें तो आपकी सारी की सारी थकान इन ठंडी वादियों में दूर हो जाती है और यहाँ पर जो 7 रंग आपको दिखाई दे रहे होंगे बीच में, उन रंगों को देखने के बाद और यहाँ से जो कुदरत की तरफ से जो ओस की बूंदें या इस जल की बूंदें जो हमारे शरीर पर पड़ती हैं, जब यहाँ से यात्री सफ़र करते हैं तब उसकी शरीर में जब ये बूंदें पड़ती हैं तो उसकी सारी की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ से अब लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद महामाई का दरबार सामने नजर आएगा और हम महामाई के दरबार में होंगे। आपको बताएं कि इस वर्ष भी हजारों की संख्या में यात्री जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं और महामाई के दरबार में माथा टेककर माँ से मन की मुरादें मांग रहे हैं। कुछ ही पलों के बाद हम आपको महामाई के उस दरबार में से भी आपको दर्शन करवाएंगे और दिखाएंगे कि महामाई किस तरह से भक्तों की झोलियाँ भर रही है। अमित शर्मा। जय माता दी, जय माता दी।
जय माता दी, जय माता दी। गगन क्या बांट रहे हो? गगन क्या बांट रहे? जय माता दी। अरमोन जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वीडियो वापस दो नहीं। चलो Thank you.